हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मूलांक चार वालों के बारे में, जिनका भी मूलांक चार होता है, किसी भी महीने की 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को, जिनका भी जन्मदिन बर्थडे होता है किसी भी महीने, उनका मूलांक होता है चार। ओके दोस्तों, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, कैसे पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, कैसे उनका नेचर होता है, इनको लाइफ में कैसे सफलता मिलती है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो हमारा चार नंबर होता है ये राहु से रिलेटेड होता है। इसका जो मेन प्लैनेट होता है चार नंबर हमारे राहु का होता है। ओके, सभी ये सोचते होंगे कि राहु एक पाप ग्रह है। हाँ ये सच है, बट कई मामलों में ये बहुत अच्छा ग्रह साबित होता है। अगर राहु आपके लिए अच्छा साबित हुआ तो राहु आपको लाइफ में बहुत सक्सेस और शोहरत देता है, बट उतने ही स्ट्रगल भी करवाता है आपसे। जो चार नंबर वाले होते हैं उनकी अगर पर्सनैलिटी की बात करें, उनकी स्ट्रक्चर की बात करें, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, एंड उनको बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना पसंद होता है, साधारण जीवन जीना उनको अच्छा लगता है। आमतौर पर ऐसे लोग बिल्कुल सिंपल लाइफ स्टाइल अपनाते हैं। ओके, एंड जो उनके कुछ लकी नंबर होते हैं, होते हैं 4, 2, 7 और 1। इनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है एंड इनके साथ इनकी बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। बट 8 के साथ भी कुछ केसेस में अच्छी रहती है, बट 8 इतना खास नहीं होता इनके लिए। ओके, क्योंकि 8 शनि का नंबर होता है हमारा। और दूसरा, ये लोग ऐसे होते हैं कि जो भी काम करेंगे उसको पूरी अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे, तभी उसको काम को बंद करेंगे। कि ऐसे नहीं कि बीच में कोई काम छोड़ दिया, उसको बहुत अच्छे से पूरा करेंगे, ऐसे ही लोग होते हैं। एंड अगर इनकी काम से जुड़ी बातों पर ध्यान दें कि किन कामों में जाते हैं, क्या कार्य करते हैं, किन जॉब्स में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट जॉब में अक्सर ही होते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में भी होते हैं, धार्मिकता से जुड़े काम होते हैं उसमें ही ज़्यादा होते हैं। बट दूसरी बात इस नंबर से ये भी जुड़ी हुई है कि इस नंबर वालों को लाइफ में स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा और नंबर के मुकाबले में, क्योंकि राहु पूरी मेहनत से ही इंसान को सफलता देता है। जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा, अपना खून पसीना एक नहीं करेगा, अपना पसीना नहीं बहेगा, तब तक इन नंबर वालों को सफलता नहीं मिलती। कुछ केसेस में कुछ लोगों को मिल जाती होगी, लेकिन आमतौर पर चार नंबर वालों को लाइफ में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, लेकिन आखिर में उनको वो चीज़ मिल जाती है जिनकी वो बहुत टाइम से वेट में रहते हैं, इंतज़ार में रहते हैं, बट वो मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, उनको वही काम अपनी लाइफ में करना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, अगर वो काम करेंगे तो उनके लिए बेस्ट होता है। एंड दूसरा, अगर वो अपनी आम दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में एक्सरसाइज, वर्कआउट से जुड़ी योगा, मेडिटेशन, ये चीज़ें शामिल करेंगे तो उनको लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि पसीना किसी न किसी तरीके से उनका निकलना चाहिए। जितना उनके पसीना निकलेगा उतने उनके अंदर कार्य करने की क्षमता आएगी, उनकी पावर वो ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी, जिससे वो और मेहनत करेंगे और आगे जाएंगे। ये उनके लिए बहुत अच्छा है ना, उनको अपनी डाइट में हरी सब्जियाँ शामिल करनी चाहिए, इनसे उनकी डाइट भी अच्छी रहेगी एंड हेल्थ भी अच्छी रहेगी। दूसरा, मंगलवार या शनिवार को नॉनवेज ना खाए कभी भी, ये इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन गरीबों को खाना खिला सकते हैं एंड घर में डोगी पाल सकते हैं, ये भी इनके लिए अच्छा साबित होता है। दूसरा, अगर हम 22 नंबर वालों की बात करें, जिसका किसी जन्म किसी महीने की 22 यानी 22 को होता है, ये नंबर थोड़ा सा यूनिक होता है क्योंकि ये मास्टर नंबर होता है। हालांकि इसका मूलांक तो 4 ही आएगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये आमतौर पर अच्छे टीचर बनते हैं, अच्छे सलाहकार बनते हैं। आपने देखो कि जिनका भी 22 नंबर होता है, लोग उनके पास सलाह लेने के लिए आते हैं। एंड दूसरा, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, यानी इनकी थर्ड आई चक्रा, गट फीलिंग, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, हाई होती है। बहुत जल्दी ही किसी सिचुएशन को पहले ही भाप जाते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
प्रेजेंट में कोई ऐसी बात बोल देंगे कि फ्यूचर में क्रिएट हो जाती है, तो लोग ये सोचते हैं कि यार इसने तो सच बोला था बिल्कुल, क्योंकि इनको वो चीज़ पहले ही विजन आने लगते हैं, इनको इनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी होती है, तो इनको पहले ही उन चीज़ों का आभास हो जाता है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये चीज़ मैंने लाइफ में कई लोगों के साथ देखी भी है, ये सच बात है। एंड दूसरा, अगर किसी की ये चीज़ इंट्यूशन पावर वीक भी हो तो उनको मेडिटेशन करना चाहिए, उससे इनकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावर में आएगी और जिससे इसका अच्छा लाभ उठा सकते हैं। अच्छे बुरे का पहले इनको आभास हो जाता है, संकेत साइन मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो अच्छी चीज़ होती है, इससे बंदा पहले ही उस चीज़ के लिए अवेयर हो जाता है। ओके, एंड इनमें कुछ चीज़ें ही पाई जाती है कि बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, सोचते हैं ये भी कर लो वो भी कर लो, कि कई सारे कामों को इकट्ठे ही करना इनको पसंद होता है, कि तब इनको चैन मिलता है लाइफ में, क्योंकि स्ट्रगलिंग नेचर इनका होता ही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बार इनको परेशानियाँ आती है, अगर शिक्षा अच्छी हो भी जाए तो ऐसा होगा कि इन्होंने स्टडी कुछ और कर ली और ये बाद में इनका प्रोफेशन कुछ और बन गया, कि शिक्षा किसी और क्षेत्र में की और बन कुछ और गए, ऐसा कुछ होता है। एंड सबसे पहले अगर इनको लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए, हमेशा भर पेट भोजन करें, खाली पेट कभी भी ना रहे, इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हल्की सुगंध का प्रयोग अपनी लाइफ में करें, इनके लिए अच्छा रहता है। एंड सलाह लेकर किसी अच्छे ज्योतिषी पंडित से अपनी कुंडली वगैरह दिखा के नीलम या माणिक का धारण कर सकते हैं। और दूसरा, गायत्री मंत्र का जप इनके लिए बहुत अच्छा होता है, उससे इनकी लाइफ की प्रॉब्लम कम होती है। और विवाहित जीवन पर ध्यान देना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, ये भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। एंड अगर इनके कुछ और कामों के बारे में बात करें तो क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आगे जाते हैं, ज्योतिषी के क्षेत्र में जाते हैं, मीडिया सेक्टर में जाते जाते हैं, इंडस्ट्री एरिया में बड़े बड़े ओहदे पर होते हैं, वकालत में भी ये जाते हैं, ये इनके कार्य होते हैं। एंड ऐसा कुछ इनका माइंड होता है कि इनके माइंड में नए नए विचार आते रहते हैं, कि कुछ नई चीज़ें करने के लिए इनका दिमाग हमेशा तत्पर रहता है। ओके, एंड आमतौर पर देखा जाए तो शादी भी ये लोग अपनी मर्जी से करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं ये लोग कि लाइफ में लोगों से हटकर काम करना इनको पसंद होता है, कि कुछ अलग तरीके का माइंड होता है इनका, उस तरीके से सोचते हैं, वे आगे सबसे अलग होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जो भी करेंगे डिफरेंट करेंगे, सबसे अलग, ऐसा इनका नेचर होता है, कि कुछ अलग करने की चाह इनकी अंदर होती है। ओके, एंड इनको काले रंग का प्रयोग कम करना चाहिए अपनी लाइफ में, वाइट और ग्रीन को ये शामिल कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, ये थी सारी इंफॉर्मेशन मूलांक चार वालों के बारे में, कि क्या इनसे जुड़ी लाइफ में इनकी खूबियाँ होती हैं एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती है, किन चीज़ों की वजह से और किन चीज़ों को ठीक करके अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।